ये इंसान, ये जो मासूम आजादारान को खुदकश हमले करके बमों के धमाके करके शहीद कर रहे हैं, मासूमीन मासूम आजादारान को, ये लोग इंसान ही नहीं है तो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ऐसे अनासिर का मुकम्मल न सिर्फ ये कि बॉयकॉट करें बल्कि इन पर नजर रखें, और जो जो सियासी जमातें या अनासिर ऐसे इंसान दुश्मन अनासिर की बिल वास्ता या बिला वास्ता हिमायत करते हैं उनका सोशल बॉयकॉट करें, सोशल बॉयकॉट करें। मैं आवाम से अपील करता हूं और खास तौर पर एमक्यूएम के कारकुनों से, प्लीज मेरे बहुत आजादारान जो है वो जख्मी है, जो शहीद हो गए अल्लाह उन्हें अपनी जवान रहमत में जगाता फरमाए, लवाकीन को सब्र जमील अता करें, और जो जख्मी है मैं कारकुनान से अपील करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा खून के अतियात दें, अस्पतालों में जाके खून के अतियात दें, और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ करने के साथ साथ उन्हें जिंदगी बचाने के लिए खून के अतियात भी दें। और जो तावन मेडिकल एड कमेटी एमक्यूएम के पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों से हो सकता है भरपूर तरीके से करें। मैं एमक्यूएम के रहनुमाओं और तमाम शोबजात से कहता हूं वो निकल खड़े हों, ऐसे अनासिर पर नजर रखें जो मासूमीन का खून कर रहे हैं, आजादारान पर हमले कर रहे हैं। ये यजीदी लोग हैं, ये यजीद के मानने वाले हैं, ये हुसैनियत के मानने वाले नहीं हैं। जो हुसैनियत पर यकीन रखने वाले हैं उनसे मेरी अपील है कि वो बराए मेहरबानी अमन कायम कर दें, बराए मेहरबानी अपने गुस्से को काबू रखें, और ये गुस्सा इन जालिमान के खिलाफ, ये तालिबान के खिलाफ निकालें और इन पर कड़ी नजर रखें। अपने अपने इलाकों में अजनबी अशखास और खास तौर पर जो किराए के मकान या मकान खरीदते हैं उन पर नजर रखें अपने अपने इलाकों में कि कौन है, कहां से आए हैं, कैसे लोग हैं, इस पर नजर रखें। और मैं ये अपील करता हूं कि कल मुझे सोग नजर आना चाहिए, सोगवाराने हुसैन पहले ही सोग में है, अल्ताफ हुसैन सोग में है। ऐ मेरे लोगों, फिरका वाराना हम आहंगी कायम रखो, शिया सुन्नी इत्तेहाद का मुजाहरा करके कल यौमे सोग इस तरह बनाओ के अल्ताफ हुसैन को एहसास हो जाए कि तुम अल्ताफ हुसैन के सोग में, शहादा के सोग में बराबर के शरीक हो। लेकिन लेकिन हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करो, हमें आपस में नहीं, अपने घरों को नहीं, अपने महलों को नहीं बर्बाद करना, अपने ही शहरियों को पर गुस्सा नहीं उतारना, बल्कि हमें गुस्से को जमा रखकर हमें ये तालिबान जो है इन पर नजर रखनी है। और हुकूमत सिंध के जो रहनुमा बार बार नफी करते थे कि कोई तालिबानाइजेशन नहीं हो रही, मैं चीख चीख के थक गया कि कराची में तालिबानाइजेशन हो रही है, लेकिन हुकूमत सिंध के लोग अवाम को बेवकूफ बनाते रहे, अवाम को गुमराह करते रहे। मैं हुकूमत सिंध के
ऐसे रहनुमाओं की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ, अवाम माओ बहनों बुजुर्गो, तुम सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। और हम हुसैनियत के मानने वाले हैं, हुसैनियत को खत्म करने के लिए इन जजीदी कुव्वतों ने पूरे खानदान रसूल को शहीद कर दिया, पूरे खानदान रसूल को, कि ये रसूल का मिशन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन यजीदियत खत्म हुई, हुसैनियत बरकरार है और हमेशा बरकरार, ता कयामत रहेगी। और हम हुसैनियत के मानने वाले हैं और इन यजीदी कुव्वतों के खिलाफ अपनी जानों का नजराना देते रहेंगे, मगर यजीदी कुव्वतों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे। कल यौम सोग मनाकर पूरे शोदा के लवाहितीन के गम में और मेरे गम में मैं सोगवार हूं, शोदा के लवाहितीन सोगवार है, हर शहरी सोगवार है, हर दर्द मन दिल रखने वाला सोगवार है, उनके गम में बराबर के शरीक हो। कल यौम सुख को कामयाब बनाए, कामयाब बनाए, कामयाब बनाए। और तो यजीदी कुव्वतों को, यजीदी कुव्वतों को बता दें कि हुसैनियत वाले झुकने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुतहदा।